नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। पंजाब हिमाचल हरियाणा न्यूज की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की बैठक, फसल खरीद और रोड सेफ्टी को लेकर की गई बैठक। बैठक में आला अधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद पहुंचे सिरसा। युवक साहित्य सदन में आप कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। किसान महापंचायत को लेकर हुई चर्चा। प्रदेश में संस्कृत भारती समिति ने की बैठक, संस्कृत भाषा पर जोर देने की कही बात। संस्कृत भाषा को बताया द्वितीय राजभाषा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का आह्वान। आंदोलन को लेकर आवाजाही पर लगी रोक। आंदोलन से यात्री हुए परेशान। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से फतेहाबाद के, अगर बात की जाए, तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग ली गई है और ये मीटिंग फसल खरीद, परिवार पहचान पत्र, रोड सेफ्टी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ली है। वहीं जिला उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया और रबी की फसल की खरीद को लेकर भी चर्चा की गई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें रोड सेफ्टी के ऊपर रिव्यू हुआ हमारे जिले का और रबी की फसल की खरीद के बारे में रिव्यू हुआ और उसके बाद परिवार पहचान पत्र में उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी रिव्यू हुआ। तो गेहूं की खरीद के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां, हमारे जिले में 49 मंडियां हैं जिनके ट्रांसपोर्ट और लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने की प्रक्रिया जारी है। हर मंडियों में सफाई के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, शौचालय के लिए और अन्य व्यवस्थाओं को देखरेख के लिए नोडल अधिकारी लगा रहे। उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद आज सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने युवक साहित्य सदन में आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जींद में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर भी चर्चा की और साथ ही निमंत्रण भी दिया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसान विरोधी करार दे दिया गया और कई अहम मुद्दों पर विचार भी रखे गए हैं। साथ ही कहा गया है कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है, भारत बंद कामयाब रहा है और बीजेपी जेजेपी के खिलाफ नफरत अब स्पष्ट झलक रही है। चार तारीख को सुबह 11 बजे की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य अतिथि के रूप के अंदर बुलाया गया है। मुझे और मेरे साथी सांसद भगवंत मान जी को भी वहां पे विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। दिल्ली से गोपाल राय जी को भी बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा को न्योता भेजा जा रहा है और सारी खाद पंचायतों को न्योता भेजा। साधना प्लस न्यूज चैनल के मोहाली स्थित ऑफिस में हरियाणा के जिला ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स को साधना प्लस न्यूज परिवार से जोड़ा गया और साधना प्लस न्यूज चैनल के परिवार को और मजबूत किया गया है। बता दें कि हरियाणा के हर विधानसभा और हर जिले तक अब साधना प्लस न्यूज चैनल की रिपोर्टिंग कवरेज की जाएगी। मौके पर जिला ब्यूरो रिपोर्टर्स, जिला ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स को ज्वाइनिंग लेटर के साथ माइक आईडी देकर सम्मानित किया गया है। तो साधना प्लस न्यूज चैनल का परिवार लगातार बढ़ रहा है और इस बीच हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोई भी खबर, छोटी से लेकर बड़ी तक, छूटे ना, ये हमारा दायित्व है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हर विधानसभा, हर ग्रामीण इलाके, हर शहरी इलाके में अब कवरेज होगी हमारी। मैं प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार के संदर्भ में संस्कृत भारती समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में भाषा अध्यापकों को टीजीटी शास्त्री और टीजीटी हिंदी पदनाम देने पर विचार कर रही है।
शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। साथ ही कहा कि संस्कृत भाषा एक देव भाषा भी है, जिसको देखते हुए सभी को संस्कृत भाषा पर जोर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संस्कृत भारती के सहयोग से संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं। पंजाब सरकार द्वारा शनिवार को हिदायत जारी हुई थी कि कोरोना काल में पुलिस कर्मी और जो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी शहादत के लिए एक घंटे श्रद्धांजलि रखी जाएगी। सरकार के द्वारा कहा गया था कि इस दौरान लोग एक घंटे के लिए आवाजाही ना करें और मौन धारण करें। इसी कड़ी में शिवपुरी चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास एसीपी नॉर्थ गुरविंदर सिंह, बस्ती जोधेवाल थाना प्रभारी गोल्डी वर्दी, एएसआई जसबीर सिंह द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। देखो पंजाब सरकार दियां हदायतां हैं भी हर शनिवार जिहड़े भी साडे पंजाबी भरा जां देशवासी जिन्हां ने कोरोना विच अपनी जिंदगी मतलब खत्म की अपनी जान दे दी है वो शहीद होए बंदियां नूं ट्रिब्यूट देने लई श्रद्धांजलि देने वास्ते सरकार ने डिसाइड किया भी 11 तो 12 बजे तक सारे लोगों को अपील की जाती है अपने घर च रहन, सड़कों ते आवाजाही ना करन, जिदा प्रभाव यह भी पेगा भी जिहड़े जिन्ने लोग घट गा बाहर आउणगे उन्ना ही कोरोना के ग्रिप च घट आउणगे, जिन्नी मूवमेंट घट होगी असीं उन्हां च उन्ने बचे च रहांगे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर अंबाला में भी देखने को मिला। वहीं किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर देखने को मिला, साथ ही बस यात्रियों को इस आंदोलन से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं यात्रियों की माने तो किसान आंदोलन की वजह से बस स्टैंड से बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई और रोडवेज अधिकारियों की माने तो फिलहाल सभी रूटों पर बसों की सर्विस बंद कर दी गई है। परेशानी हमें यह है कि हमें घर तक पहुंचना है, किस तरीके से घर पहुंचे, मुलाना जाना है मुलाना दूसरा का, तो इस वजह से परेशानी है कि कोई सवारी कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, ये दिक्कत तो हमारे सामने है। हमें पता नहीं था कि जहां सवारी बंद है बसें बंद है। जा रहे बिहार सर, हम लोग जो है आए हैं इसमिला से, बसें बंद हो गई आज, आज बस बंद हो गया, क्या करेंगे सर, ऐसे मिल लेगा हम लोग क्या करेंगे, बिहार जाना था जरूरी था। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी बहुत है हम लोग को, तो क्या करेंगे, अभी बस नहीं मिला हमको। किसान आंदोलन की वजह से परेशान? हाँ जी, अब जो सा होगा लॉकडाउन है क्या नहीं हमको तो पता नहीं। खबर नोहर से है, जहां 1971 युद्ध के गौरवशाली 50 साल पूरे होने पर सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन द्वारा बालकृष्ण बिहारी स्टेडियम में युद्ध में शामिल रहे वीर सैनिकों को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर शहीद हुए जवानों की पत्नियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कर्नल एएम सैनी द्वारा इस मौके पर 19 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। मौके पर 1971 युद्ध के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, साथ ही आर्मी बैंड ने शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कर्नल एएम सैनी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं में देशभक्ति का जज्बा भरते हुए हमेशा देश की सेवा की है। '63 कैवलरी से रिटायर होकर के आया और 96 में रिटायर होने के बाद तभी से समाज सेवा के अंदर काम करता हूं। आज ये स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने के बाद जो 1971 के अंदर ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के विजय जुलूस जो गांव गांव में घुमाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में आज 62 कैवलरी की तरफ से नोहर के ध्यानी स्टेडियम के अंदर पूर्व सैनिकों को जो जिन्होंने 71 के ऑपरेशन में हिस्सा लिया था और उनके परिवारों को यहां बुला करके जो वीरांगनाए और वीर नारियों को सम्मानित किया है, ये एक बड़ी हमारे लिए बहुत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जंगवीर सिंह ने बताया कि इस बार 20 अप्रैल से ये परीक्षा आयोजित होगी और परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक कराई जाएगी।
बोर्ड चेयरमैन ने आगे बताया कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं बोर्ड अध्यक्ष जंगवीर सिंह ने बताया कि इस बारे 7.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा केंद्र के लिए 2500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए परीक्षा ली जाएगी। अज मोगा हल्के के पिंड सारे वर्कर कटे आए थे, रुके आए सारे। ये सारे इन्हों बहुत सारे वीड्डी गिणती इन्होंने किसान की सी, मजदूर की सी, बड़े सफल किसान इन्हें पी, इन्हें आर्थिक ये भी गई। इन्होंने सारिया मुश्किल दसिया भी साढ़े सारिया मंडिया एफ सी एफ सी वाले कोई पाता है नहीं, बड़े मूहे मुश्किल आनी है। अगे इन्हों सारा माल अदानी से लग जाता है, अदानी की जी कपैसिटी 2.5 लाख टन की 2 लाख टन की अगर कि उसे मुश्किल है माल निकलें कि 8 लाख टन निकलिया उन्होंने, इसलिए माल में फिक्र लग्या कि साडा माल संबंध च मैं जिले के सीनियर अफसर ने भी गल की जो इंचार्ज है इतने सरकार सिंह। पलवल नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 11 की ओढ़ बस्ती सालों से अवहेलना की शिकार है। बता दें कि बीते 5 सालों में ना तो वार्ड पार्षद ने इनकी समस्याओं को सुना है, ना समाधान किया है और ना ही किसी और ने इनकी सुध ली है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग पानी, नालियां और सीवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि इन समस्याओं के चलते उनके मकान बैठ रहे हैं, उनमें दरारें आ रही हैं और उनका बहुत नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने आगे कहा कि आने वाले पार्षद के चुनाव में किसी को भी वोट नहीं देंगे। जवाहर नगर पलवल कैंप का वार्ड नंबर 11 है जो कि वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के लोग तरह तरह की समस्याओं से वर्षों से जूझ रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नालियां, पीने का पानी, सीवर की समस्या, तरह तरह की इनकी समस्या है और ये लोगों में इतना रोष है कि ये कहते हैं हम आने वाले चुनाव में ये जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पार्षद का चुनाव लड़ने आएगा उसको ये सबक सिखाने के मूड में है। मैं पूछता हूँ इन लोगों से क्या 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 समस्या है इनकी। बहन जी क्या नाम है आपका? उषा। क्या समस्या है इधर? समस्या हमारी ये है कि सर हमारे यहाँ पर ना तो कोई पानी निकलता है, नाली ऐसी गंदी हो रही है, टूटी फूटी हो रही है, कभी कभी कोई सुनाई भी नहीं करता। कभी जितने भी पार्षद बने या एमएलए बने कोई भी इस गली में कोई आता ही नहीं है, मतलब कभी किसी ने सुनवाई नहीं करी, ये नहीं देखा कि ये पब्लिक कैसे दी रही है। क्या समस्या है आपकी, क्या क्या समस्या है? मेरी तो बाबू यही है, मेरी नाली बनवा दो। और ये समस्या बताओ आप अपनी। समस्या यही है। क्या क्या समस्या है? ये नाली की और सड़कों की और गटर। क्या परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी है भैया, हमारे तो मकान भी फट गए। मकानों में क्या हुआ? देखो दरार आ रही है सब नालियों की वजह से। नालियों से वजह। देखो आपने लोग बता रहे हैं कि नालियों में इतनी समस्या है, नालियों सफाई नहीं होती और नालियां पुरानी बनी हुई हैं जिसकी वजह से मकानों में भी इनके दरार आने लगी है। हम यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है, मैं पूछता हूँ उनसे। बहन जी क्या नाम है आपका? राधा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ही है बेटा, ये बहुत परेशानी है, नाली टूटी फूटी पड़ी मुख्य है। मुख्य समस्या क्या आपकी, पानी की क्या समस्या बता रहे थे आप? मकान टूटे पड़े हैं, मकान फिर टूट तोड़ तोड़ के फिर बना रहे पानी के कारण। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, मैं जी बताएंगे क्या समस्या है इधर की। नाली पानी की कम समस्या है सबसे ज्यादा। पानी की क्या समस्या है? पानी खराब होता है क्या? हाँ पानी कब सही आने लगे हो? अच्छा हाँ, ये कौन हो दीपक? चलो मैं जी आप बताना आप अपनी समस्या बताओ। नालियों की और पानी की यही समस्या है, हमारे घर बैठ रहे हैं। इस बहुत कोई कभी आता ही नहीं है। पानी की क्या समस्या है? पानी तो अभी सही आ रहा है, अभी नालियों की ज्यादा, सड़कों की समस्या ज्यादा। एक बहन जी मुझे बता रही थी पानी गंदा आ रहा है, कौन बता रहा था? हाँ कभी कभी पानी खराब आता है, हमें पानी के नाली लगना चाहिए, हम रुको दाना चाहिए, बस पानी गंदा आता है। हाँ पानी पीना का नहीं आता, बोर लगना चाहिए। तो शंकर जी आपने कभी किसी को समस्याओं के लिए बताया यहाँ? भाई सर समस्या बताए थे कई बार, जो हमने अपना क्या नाम है जिसका जो पहले जो पार्षद था तो उसको हमने पहले ये इलेक्शन लड़ने से पहले हमने उसको सपेशल बुला के हमने उनसे ये कहा था कि हमारा समस्या ये थी कि एक तो पानी और इस सड़क ये हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो सीवर भी इसमें भरा हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होने के बाद सबसे पहले ये काम करूंगा मैं। तो अभी तक भैया जब से इलेक्शन जीता हूं अभी तक एक बार उन्होंने चक्कर नहीं मारा। कितने साल हो गए इस? आप मतलब 5 साल हो जाएंगे अभी इलेक्शन में। देखो आपने यहाँ के निवासियों को कहना है कि 5 साल होने वाले हैं और दोबारा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन आज तक भी इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। लोगों के मकान जो है उनमें दरारें आ रही हैं, फटने वाले हैं, पानी गंदा आता है पीने का, सीवर की कोई यहाँ पर समाधान नहीं है,
सफाई नहीं होती, गटर भरे पड़े हैं और लोग हमें बड़ा रोष है और वो कहते हैं क्या क्या करेंगे बहन जी आप, यदि इस बार लोग जो पार्षद आपसे जो कोई पार्षद के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे उनको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमें वोट ही नहीं देने, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है तो हम वोट देके क्या करेंगे, हर बार बनाते हैं कोई सुनवाई नहीं करता, तो जनता की तरफ से तो बनते हैं, जब जनता की कोई सुनवाई नहीं करता फिर क्या करेंगे वोट देके। देखा आपने, लोग बिल्कुल गुस्से में है और लोगों का ये कहना है कि इस बार जब नगर परिषद के चुनाव होंगे और लोग जो पार्षद के उम्मीदवार होंगे या वोट मांगने के लिए आएंगे इस बार उनको वोट नहीं देंगे, वोट देने से उनको साफ इनकार किया जाएगा। साधना प्लस के लिए मैं लव कुमार धींगड़ा। तो लोगों की परेशानी बढ़ रही है, तो लोगों ने यह तय भी कर लिया है कि इस बार जब इलेक्शन आएंगे तो सबक भी सिखाया जाएगा, क्योंकि जमीन पर कुछ भी काम नहीं करवाया गया है। जहां एक तरफ देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है तो वहीं हरियाणा राज्य में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बता दें कि यमुनानगर में पिछले 10 से 12 दिनों से कोरोना संक्रमण के दरों में एकदम से तेजी आई है, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 100 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर यमुनानगर जगाधरी बार एसोसिएशन द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही बार की लाइब्रेरी में वैक्सीनेशन लगाने का प्रावधान किया गया और इसकी जानकारी जिला यमुनानगर जगाधरी बार एसोसिएशन के प्रधान भानु प्रताप सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे माननीय और आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता जो 60 साल से ऊपर के हैं उनके सुविधा के लिए केंद्र खोला गया है। जागीर सिंह देशवाल, ये बिल्कुल सेफ, किसी किस्म की कोई इंजेक्शन लगाते वक्त किसी किस्म की तकलीफ कोई दिक्कत कोई नहीं आई, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव बहुत बढ़िया, और बाहर की तरफ से आज जो आयोजन किया गया है ये हम सभी वकीलों के लिए फायदे के लिए था, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आयोजन बहुत सक्षम और अच्छा है, बिकॉज वी पीपल ज्यादातर हम लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं और इसके लिए हमें सेफ रहना इट्स वेरी ग्रेट फॉर अस। सभी बार के सदस्यों को और प्रेसिडेंट वगैरह को, बार के सारे जो मेंबर्स हैं सबकी थैंकफुल हूं कि उन्होंने इतना अच्छा यहां पे एक ये कोविड का इंजेक्शन का जो यहां प्रोग्राम बनाया। खबर इंद्री उपमंडल से है, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय को मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में पहला स्थान हासिल हुआ है और इसको लेकर पूरे गांव और स्कूल के टीचरों में खुशी का माहौल है। वहीं स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों का कहना है कि अब हमारा अगला लक्ष्य जिला और प्रदेश स्तर पर स्कूल को प्रथम स्थान हासिल करना होगा। वहीं अध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा ने बताया है कि उपमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में इलाके के कई स्कूलों ने हिस्सा लिया था जिसमें स्कूल ने पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही समाज सेवी रमेश भाटिया, पंच बलविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और अध्यापिका किरण भाटिया ने स्कूल के पहले आने पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ये काम संभव हो पाया है और हमारा अगला लक्ष्य स्कूल को जिला और प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल कराना है। खुशी है कि भी हमारा गांव जो है ब्लॉक स्तर पर सफाई में फर्स्ट आया है और इसके लिए तो श्रेय हमारे स्टाफ को जाता है स्कूल के, और हम आशा करते हैं अभी हम डिस्ट्रिक्ट में भी और हरियाणा प्रांत में इस संघर्ष में भी हम अव्वल आए तो और भी अच्छी बात है, और हम तय दिल से गांववासी भी मास्टर जी के साथ साथ हैं। ये मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती है और इस वर्ष जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोड़ माजरा की तरफ से हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि हमने स्कूल में पिछले काफी समय से इसको सुंदरता और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। उसमें हमारा रिजल्ट आज ही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा फोन पर सूचना मुझे दी गई और हमारा जो स्कूल है वो उपमंडल स्तर पर माध्यमिक विद्यालय। कैथल बाजार में होली की रौनक देखने को मिल रही है और बाजारों में एक से एक रंग दुकानों पर बिक रहे हैं, साथ ही रंग बिरंगी पिचकारी भी दुकानों पर सजाई गई है, लेकिन दुकानों पर ग्राहक बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ग्राहकों में एक तो कोरोना का डर है तो वहीं दूसरा सरकार का एक फासला, जिसके चलते लोग बाजार में कम ही दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा इस बार फैसला लिया गया है कि कोरोना के चलते सार्वजनिक स्थानों पर होली पर्व नहीं मनाया जाएगा, जिस वजह से कश्मकश की स्थिति बनी हुई है।
अधिकारी बीट में हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, पुलिस कर्मचारी अधिकारी, उनके माध्यम से जो शहर के एमसी हैं, नए हैं पुराने हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हमने सूचना भी दिवाई है भाई सरकार के जो दिशा निर्देश उनकी। सिरसा में खपास अनुसंधान केंद्र में कृषि विभाग की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सिरसा के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने हिस्सा लिया और यह सेमिनार गुलाबी मक्खी को लेकर आयोजित किया गया। बता दें कि पिछले कुछ सालों में गुलाबी मक्खी की वजह से कई इलाकों में फसल को भारी नुकसान हुआ था और उस नुकसान से बचने के लिए कीटनाशक अवरोधक प्रबंधक की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने खास तौर पर कपास में आने वाली बीमारी को लेकर जागरूक किया। झज्जर से लेकर चंडीगढ़ और उत्तरी हरियाणा में कोई टोल नहीं है, लेकिन राजनीतिक भेदभाव के चलते दक्षिणी हरियाणा को घाटे की भरपाई के लिए शिकार बनाया जा रहा है। बता दें कि कोसले विधानसभा क्षेत्र के पालहा वास गांव में 21 गांवों के लोग पिछले 18 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टोल लगा दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। साथ ही ग्रामीण उस टोल को हटाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आगे कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। टोल को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया है। उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां हरियाणा में कई जगहों पर टोल नहीं है तो दूसरी तरफ कई जगहों पर एक ही साथ टोल है, जिसकी वजह से इनकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि टोल की वजह से उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि सरासर गलत है और बेवजह उन्हें टोल देना पड़ता है। आज लगभग 18-19 दिन हो गए ये पालावास से जो हेली मंडी रोड है चौकी, जो कि बिल्कुल ओआरडी रोड है, ऑर्डनरी, बाकी हमने कभी सुना नहीं देखा नहीं भी ऑर्डनरी रोड पे टोल लगाया जाए, जबकि लोकल आदमी को स्कूल की बसें हैं, बिल्कुल आर्थिक नुकसान हो रहा है, एक बच्चे का भी जो स्कूल में पढ़ता है और बाकी ये छोटा मोटा खेतीदारी है उसके अंदर जिनके पास साधन है रोज टोल कटवाओ। अच्छा, सरकार से हम यहां के विधायक से भी मिले, चंडीगढ़ पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री है उनसे भी मिल लिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 19 दिन हो गए यहाँ पे टोल को लेके। पिछले 18 दिन से आसपास के 21 गांवों के पंचायत भी ग्रामीण भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं। हम इस मामले में स्थानीय विधायक राव साहब राव इंद्रजीत सिंह से भी मिल चुके हैं, राव साहब ने आश्वासन भी दिया था और मेरे हिसाब से शायद उनकी प्रयास से जो आज ये कमेटी जो यहाँ आ रही है, अगर इसमें समाधान नहीं हुआ, सीधी सी बात है, तो इसकी सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी जो भी होगा। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपना भैर पसारने लगा हुआ है और अपना कहर भी लगातार बढ़ पा रहा है। आलम यह है कि इस महामारी की चपेट में हमारे त्योहार भी आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने तो लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, बिहार समेत देश के कई शहरों में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगाई गई है और इसी कड़ी में अब हरियाणा भी शामिल हो गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगा दी है, साथ ही सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। इस बार होली के त्यौहार के ऊपर हमने अतिरिक्त जो सुरक्षा प्रबंध हैं वो किए गए हैं। हमारे जिले के शहरवासियों को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि त्यौहार पर सभी हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाते हैं, लेकिन कोविड जो फैल रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बार लोगों को इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया गया है। सामाजिक तौर पर इकट्ठे होना एक बीमारी को बढ़ावा देना।
पंजाब में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। आप बता दें कि कोरोना महामारी में जान गंवाए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन धारण करने की अपील की गई है, लेकिन नाभा की तस्वीर एक अलग कहानी बयां कर रही है। खुले बाजारों में हमेशा की तरह उत्साह कर्फ्यू के दौरान देखने को मिला। पुलिस प्रशासन ने भी कोई सख्ती नहीं दिखाई, साथ ही इस दौरान लोगों को सार्वजनिक वाहनों में आते जाते देखा गया। ऐसे नाभे च बिल्कुल नहीं मैनू दिख रहे हैं। लोग उवें रूटीन वांगू अप डाउन कर रहे ने, पर मैं भी पटियाला तो भवानीगढ़ जा रहा सी, मैनू भी एक घंटे का मैनू बाद चलो कुछ टाइम कढ़ना चाहिदा, मैं भी गड्डी साइड ते लाके तां रुक गया, एक घंटे का मौन रखिया, पर लोगों देखते हुए यह नलैकी है लोगों की, बिल्कुल भी इन्हां नू समझ नहीं आ रहा भी जिहड़े लोग कोरोना महामारी के कारण पीड़ित होके भी वह बीमार रह के भी मौत नेड़े लग गए ने, पर उन्होंने श्रद्धांजलि जो जरूरी सी, पंजाब सरकार ने हदायत दित्तियां सीगियां, जो सरकार ने हदायत की किसी भी 11 तो 12 बजे तक एक घंटे का जेडे कोविड के मुद्दे मरे हैं उन्होंने वास्ते श्रद्धांजलि देने वास्ते दिता सीगा, पर उस मुताबिक ना लोगों वालों ना कोई प्रशासन वालों कोई ऐसी लगता भी जो पालना जी नहीं की गई, लगता भी आने वाले समय से 11 तो 12 बजे तक अगले शनिवार तक कुछ लग रहा था, क्योंकि जिम्मे हूं लग रही है इस मुताबिक तो मैनू तो नहीं लगता भी अगे भी होगी, पर जेकर प्रशासन ने कुछ चंगे कदम उठे नाके नुके लाए तो हो सकती है, अदरवाइज मैनू नहीं लगता भी हो सकता है। करनाल में जेईई मेंस परीक्षा को क्रैक करके बिखेरी खुशी ने 99.87% अंक हासिल किए हैं, जहां खुशी का IIT कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने का सपना है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से लिए गए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई मेंस परीक्षा के मार्च सेशन की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। इसमें हरियाणा के करनाल जिले के खुशी सिंह ने 99.87% हासिल किए हैं। इसके साथ साथ खुशी को फिजिक्स में 100% अंक मिले हैं। उधर निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद कोर्ट में दोनों पक्षों की सजा को लेकर बहस पूरी हुई, जिसके बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि आज से ठीक 5 महीने पहले 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में कॉलेज से लौट रही निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और अब 5 महीने बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है, और इसमें दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।